सफलता के प्रवेश द्वार के नाम से प्रसिद्ध प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले प्रतिष्ठित संस्थान कौटिल्य एकेडमी ने 15 वर्ष पूर्ण होने पर बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में भव्य आयोजन किया। आयोजन में बच्चों के शक्तिमान एवं बड़ों के भीष्म पितामह के रूप में प्रसिद्ध अभिनेता मुकेश खन्ना एवं मैनेजमेंट गुरु व मोटिवेशनल स्पीकर रघु रामन ने भी अपने विचार रखे। कौटिल्य एकेडमी के इस आयोजन में बड़ी संख्या में विद्यार्थी एवं आमजन पहुंचे थे। अतिथियों का स्वागत कौटिल्य एकेडमी के सीईओ श्रद्धांत जोशी एवं उमेश सनोटिया ने किया। कौटिल्य एकेडमी और हैथवे बी टीवी के एक सह आयोजन में आज ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। कौटिल्य एकेडमी के 15 वर्ष पूरे हुए हैं और ये 16th फाउंडेशन डे है। 16 वर्ष की तरुणाई है और 15 वर्षों का अनुभव है, तो इन दोनों को लेकर के कौटिल्य एकेडमी आगे दृढ़ संकल्पित है कि युवाओं के भविष्य को संवारे और वो युवा जो राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। आज यहाँ पर में हम जो अभी लेटेस्ट 2016 और 17 में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनका सम्मान करेंगे और सबसे बड़ा आयोजन तो वही है। दूसरा रघुरामन जी जो मैनेजमेंट फंडा लिखते हैं दैनिक भास्कर में, उनका उद्बोधन होगा और मुकेश खन्ना जी आ रहे हैं जो सिने जगत के महानायक हैं अपने आप में ही, बच्चों के शक्तिमान और बड़ों के भीष्म पितामह हैं, तो उनका भी उद्बोधन होगा। बात देना चाहता हूँ हैथवे बी टी वी और कौटिल्य एकेडमी को कि उन लोगों ने ऐसा एक आयोजन किया और इस आयोजन पे बहुत सारे बच्चों को उन्होंने मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहे हो और ये एक अच्छी पहल है और अच्छी एक शुरुआत है जो हर शहर में हर तरीके से हर लोग करने चाहिए, क्योंकि आज का बच्चा मेरे हिसाब से जो मैं घूमता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी नहीं है, थोड़ा सा अपना रास्ता खोकर बैठा हुआ है, बिकॉज उसके पास ऑप्शंस बहुत है। वो भी मैं जब से चेयरमैन बना हूँ, मैं कह रहा था इनको कि मैं जब से मैं चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का चेयरमैन बना हूँ तो मैं मिनिस्ट्री के नज़दीक आया हूँ, अदरवाइज मेरा मिनिस्ट्री से कोई बीजेपी के लिए मैं 15 सालों से कैंपेन कर रहा हूँ बट मैं कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। हस्तिनापुर की भी राजनीति देखी, आज की भी राजनीति देख रहा हूँ, मैं बाहर ही रहता हूँ, सिर्फ कैंपेनिंग करता हूँ, लेकिन अभी मुझे पता चला कि देश जो है चलता है वो एक तो मिनिस्टरों की टीम होती है और एक जो होती है वो IAS और IPS और इन लोगों की टीम होती है जिनको हम बाबू लोग कहते हैं, जहाँ तक मुझे पता लगा। बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित छात्रों के सामने अन्य विद्यार्थियों ने भी स्टेज से ही संगीत की प्रस्तुतियां दी।